जहां हरियाली वहां खुशहाली का नारा बुलंद करते हुए वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल एवं शासकीय प्राथमिक शाला कैंप 1 के शाला विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्कूल परिसर के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां हरियाली वहां खुशहाली, यह नारा दिया है नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने। इस नारे को साकार करते हुए वार्ड पार्षद एवं शासकीय प्राथमिक शाला कैंप 1 की शाला विकास समिति ने मिलकर स्कूल परिसर के भीतर फलदार व छायादार वृक्षों के पौधों का रोपण किया और इन पौधों को वृक्ष बनने तक इनकी देखरेख करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में नगर पालिक निगम भिलाई जोन 2 के अध्यक्ष जालंधर सिंह और आयुक्त ईशा देश लहरे विशेष रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने वृक्षों का रोपण किया, साथ ही शाला विकास समिति की अध्यक्षा मेहरुनिसा एवं अन्य सदस्यों ने भी वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया और बच्चों ने भी अपने नन्हे हाथों से नन्हे पौधों का रोपण किया। वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल, जोन 2 के अध्यक्ष जालंधर सिंह एवं शाला विकास समिति की अध्यक्षा मेहरुनिसा ने कार्यक्रम को लेकर मीडिया को जानकारी दी और कहा कि आज के परिवेश में वृक्षों का रोपण करना अति आवश्यक है और इन्होंने क्षेत्रवासियों से क्षेत्र को हरा भरा करने की अपील करते हुए प्रति व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का आग्रह भी किया। उद्देश्य यही है कि हमारे वार्ड में हरियाली होनी चाहिए, जहां हरियाली वहां खुशहाली, तो ऐसी हरियाली और खुशहाली हमेशा बनी रहे, इसलिए हम लोग पौधा वृक्ष रोप रहे हैं यहां पे। और पौधा रोपने का एक मेन कारण भी है कि पौधे रहेंगे जब भी बारिश भी होगी और धरती भी हमारी अच्छी होगी और छांव मिलेगा, छांव के वजह से भी जो अपने पशु पक्षी जानवर उनके लिए भी बैठने का उनका रहने का माध्यम होता है, पक्षियों के लिए भी एक घर होता है वो, तो पौधा रोपण करना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि हम ही नहीं, सभी लोगों को पौधा लगाना चाहिए, अपने जीवन में एक पौधा लगा करके उसकी सेवा करके उसको बड़ा करना ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने बच्चों को खाना पीना नाश्ता हर चीज़ का ध्यान देते हैं, उसी तरह हम पौधे लगाएं, उनका पानी का, उनकी कटिंग करने की, उनकी मतलब देखभाल पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। उद्देश्य है कि जहाँ हरियाली वहीं खुशहाली। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए पिछले 2 साल कोरोना में परेशान हुए, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सोच है कि हमारा पटरी पार का टेम्परेचर सेक्टर से 2 डिग्री कम हो, मेरी सोच है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सेक्टर से टेम्परेचर कम करना हमको, हमारी ये मानसिकता है। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील है मेरा कि हमको अपने भिलाई नगर का, भिलाई वैशाली नगर का टेम्परेचर कम करना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है वृक्षारोपण करके, और मैं बस चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब नहीं, बाकी जितने लोग भी हैं अपने घर में एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, फिर हमें ऑक्सीजन मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खो दिए हैं, वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं। वर्षों से लगातार चल रही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का खामियाजा विगत 2 वर्षों से इंसानों को झेलना पड़ा है और अब इससे सबक लेकर वृक्षारोपण के महत्व को आम जनमानस समझने भी लगा है, इसलिए जगह जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर प्रकृति को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।